मुंडावर क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होने तथा कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर कांग्रेस नेता ललित यादव ने मुंडावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जनता में अधिकारियों के प्रति आम जन के आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों को चेताया कि ग्रामीण आम जन को परेशान न करें, उनका नियत समय पर कार्य कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही लंबे समय से टिके हुए भ्रष्ट अधिकारी जो आम जन से पैसे लेकर काम करते हैं या लापरवाही करते हैं, उनको चेताया कि इस प्रकार की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है, पिछले 2 साल में जितना असंतोष अधिकारियों के प्रति मुंडावर में है, और लोग आए दिन आकर शिकायत करते हैं, आए दिन गांव ढाणी के लोग आते हैं, वो गांव ढाणी के आदमी आकर कहते हैं कि साहब हमारे काम के लिए गए थे और वहाँ अधिकारी नहीं मिले, मौके पर कोई मिला नहीं, ऑफिस में कोई नहीं मिला। आज मैं आपके माध्यम से उन तमाम अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पिछले लंबे टाइम से टिके हुए हैं और गलत काम कर मुंडावर की आम जनता से कहीं रिश्वत के नाम पे पैसा ऐंठ रहे हैं या सही दिशा में काम नहीं कर रहे, उन सबसे आज एक इस मीडिया के माध्यम से उनको एक संकेत देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आज तक जो किया वो हम देख रहे थे कि मुंडावर में छूट दे के देखी कि अधिकारी कितना काम करते हैं, लेकिन पता चला कि मुंडावर की जनता परेशान हो रही है, मुंडावर का आम आदमी परेशान हो रहा है, नेता नहीं आम आदमी परेशान हो रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने रवैये को सब तमाम वो अधिकारी कर्मचारी जो गलत कर रहे हैं, वो अपने रवैये को सुधार लें, अपने रवैये को ठीक करें, अन्यथा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले वक्त के अंदर आपके बच्चे रोएंगे, क्योंकि आप गलत करोगे आप पैसा लोगे तो सस्पेंड होगे तो आपके बच्चे रोएंगे। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूँ, जो गलत काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं वो अपना रवैया ठीक कर लें, अन्यथा अब बर्दाश्त करने लायक बात नहीं बची है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस नेता ललित यादव ने कहा कि यहाँ भले ही भाजपा का विधायक हो, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता MLA है और वह आमजन की भलाई के लिए काम करने को तत्पर है और उसकी बात को तवज्जो दी जाएगी। बिजली कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से VCR भरने पर बिजली कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आम जन के साथ इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए उन्हें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी तो वे इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम लोग आपके बीच में बैठे कतई नहीं करने देंगे, गलत काम कोई भी करे चाहे, हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। आज के बाद में मुंडावर क्षेत्र में जो भी अधिकारी यहाँ हैं, कोई निम्नाना रहता है, कोई अलवर रहता है, कोई भिवाड़ी से आते हैं, इसलिए मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद में आप सब लोग मुंडावर उपखंड पर रहें और यहाँ रह करके यहाँ की आम जनता की समस्या का समाधान करें, आम जनता की बात को सुने। और ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मुंडावर को सुना समझ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के MLA नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हम लोग बैठे हैं यहाँ कांग्रेस के आम आदमी आम कार्यकर्ता MLA यहाँ पर, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जनता की भलाई के लिए काम करना चाहता है। इसलिए आप लोग इस बात को आज की बात को निश्चित मान करके और आने वाले समय में यहाँ के तमाम लोगों के लिए सही ढंग से काम करें। बिजली के नाम पर आप बताइए इतना गलत काम किसान के साथ हो रहा है, आम आदमी के साथ हो रहा है, जो आम आदमी गांव में बैठा है और गरीब व्यक्ति है, किसी ने अपने घर में लाइट जलाने के लिए एक बल्ब जला लिया और बल्ब के नाम पर 50,000 रुपये की VCR झूठी भी VCR भर के आ गए, किसी ने घर के अपने कनेक्शन में से तार ऊपर लगाकर अपने छत के ऊपर लाइट लगा रखी है उसके VCR भर के आ गए। इसलिए बिजली के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जितने लोग हैं, JN IN जो भी लाइनमैन जो लोग हैं, वो भी अपने रवैये को ठीक करें कि जानबूझ करके बदले की भावना से, द्वेष भावना से अगर यहाँ काम होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। आज के बाद में बड़ी खुली भाषा में बात कहना चाहता हूँ।